हेलो फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर सजाद वानी। आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है द हॉर्मोन्स ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी। हमने पिट्यूटरी ग्लैंड का ओरिजिन, उसकी लोकेशन, उसके स्ट्रक्चर और हिस्टोलॉजी के बारे में बात की है। आज हम बात करेंगे अबाउट द हॉर्मोन्स ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी। और आज के इस लेक्चर का टॉपिक जो है, द मेन टॉपिक इज द ग्रोथ हॉर्मोन। हम एंटीरियर पिट्यूटरी के पहले हॉर्मोन पे फोकस करेंगे। सो द फर्स्ट थिंग अबाउट द ग्रोथ हॉर्मोन, हमें पहले ये याद रखना है कि ग्रोथ हॉर्मोन की और जो नाम है वो हम याद रखेंगे। ग्रोथ हार्मोन इट इज ऑल्सो नोन एज द ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। ये आपको याद रखना, हम ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं, ठीक है। और इसको हम सोमेटोट्रॉपिन भी बोलते हैं, सोमेटोट्रॉपिन, ठीक है। द ग्रोथ हार्मोन और द ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन और द सोमेटोट्रॉपिन, और इसको हम पिट्यूटरी ग्रोथ हार्मोन भी बोलते हैं, ठीक है। और इसको ह्यूमन बींग्स में ग्रोथ हार्मोन वन भी बोलते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट ये है, द नेम ऑफ ग्रोथ हार्मोन इज ऑल्सो द ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन और द सोमेटोट्रॉपिन और द पिट्यूटरी ग्रोथ हार्मोन और द ग्रोथ हार्मोन वन। ये आप पहला पॉइंट याद रखेंगे रिगार्डिंग द ग्रोथ हार्मोन। इसके बाद हम आगे चलेंगे। बिकॉज द ग्रोथ हार्मोन लाइक अदर मोलिक्यूल्स ऑफ द बॉडी, इट इज ऑल्सो प्रोडक्ट ऑफ द जीन ट्रांसलेशन, ठीक है। हमारा जो जीन है, जो आप जेनेटिक्स में पढ़ेंगे, जीन का एक प्रोडक्ट होता है ग्रोथ हार्मोन। लाइक अदर हार्मोन्स एंड एंजाइम्स एंड प्रोटीन्स इज अ प्रोडक्ट ऑफ द जीन्स। तो हमारा जो ग्रोथ हार्मोन है, इसका जो जीन है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, दैट जीन इज लोकेटेड ऑन क्रोमोजोम नंबर 17 इन द ह्यूमंस। आपको पता है ह्यूमंस में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स है। सो ऑन द क्रोमोसोम 17 द जीन फॉर ग्रोथ हार्मोन इज लोकेटेड, जिसको हम ग्रोथ हार्मोन 1 कहते हैं, जिसको हम पिट्यूटरी ग्रोथ हार्मोन भी कहते हैं। और मैं आपको एक एडिशनल इंफॉर्मेशन यहां पे दे दूं, दैट ऑन द सेम क्रोमोसोम वी हैव द जीन्स फॉर द ग्रोथ हार्मोन 2, जिसको हम ग्रोथ हार्मोन वेरियंट भी कहते हैं, ठीक है, जिसको हम प्लेसेंटल ग्रोथ हार्मोन भी कहेंगे। हम उसकी बात नहीं करेंगे। एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है आपके लिए, दैट ऑन क्रोमोसोम 17 वी हैव द जीन फॉर द ग्रोथ हार्मोन व्हिच इज आल्सो नोन एज ग्रोथ हार्मोन 1, एंड वी आल्सो हैव द जीन फॉर ग्रोथ हार्मोन 2 व्हिच इज द ग्रोथ हार्मोन वेरियंट और द प्लेसेंटल ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। और यहाँ पे आप एक चीज याद रखेंगे, दैट ग्रोथ हार्मोन बिलोंग्स टू अ फैमिली ऑफ हार्मोन व्हिच आर नोन एज सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन्स, एंड दीज हार्मोन्स also include, one is the growth hormone, second is the prolactin, and the third is the placental lactogen. ये एक hormone है which is secreted by the placenta. These three hormones, they are homologous hormones. हम कहेंगे that they have homologous functions, similar functions, ठीक है, their functions, they have the functions of growth and they have the lactogenic functions. So the growth hormone, the prolactin and the placental lactogen, they are somehow homologous हॉर्मोन्स, आप याद रखेंगे, ठीक है। द ग्रोथ हार्मोन, द प्लेसेंटल लैक्टोजन एंड द प्रोलैक्टिन, दीज आर सिमिलर हार्मोन्स, दे हैव ऑलमोस्ट सिमिलर फंक्शंस ऑफ ग्रोथ एंड दे हैव लैक्टोजेनिक एक्टिविटी, ठीक है। प्लेसेंटल लैक्टोजन को हम ह्यूमन कोरियोनिक सोमैटो मैमोट्रॉपिन भी कहते हैं, ह्यूमन कोरियोनिक सोमैटो मैमोट्रॉपिन, ह्यूमन कोरियोनिक फ्रॉम द कोरियन, सोमैटो मीन्स ग्रोथ, मैमोट्रॉपिन समथिंग रिलेटेड टू लैक्टेशन, ठीक है। सो दिस वाज सम एडिशनल इंफॉर्मेशन, आप यहां याद रखेंगे, द जीन फॉर द ग्रोथ हार्मोन इज ऑन लोकेटेड ऑन द क्रोमोसोम नंबर 17 इन केस ऑफ ह्यूमन बींग्स। उसके बाद हम ग्रोथ हार्मोन के स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। दिस क्रोमोसोम 17 इट ट्रांसलेट्स इनटू अ प्रोटीन ग्रोथ हार्मोन। जो ग्रोथ हार्मोन इट इज अ पॉलीपेप्टाइड, आप याद रखेंगे, ग्रोथ हार्मोन इज अ पेप्टाइड एंड इट कंटेन्स 191 अमीनो एसिड, आप याद रखेंगे। सो द ग्रोथ हार्मोन इट इज अ सिंगल लॉन्ग चेन पॉलीपेप्टाइड एंड इट कंटेन्स 191 अमीनो एसिड। अगर आप याद रखना चाहेंगे, द वेट ऑफ दिस हार्मोन इज अराउंड 22,000 डाल्टन्स, बिकॉज हार्मोन्स आर लो मोलिकुलर वेट सब्सटेंसेस, इनका वेट हम डाल्टन्स में मेजर करते हैं, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन का स्ट्रक्चर ये है, दैट एंड नेचर ये है, दैट द
growth hormone is a polypeptide having 191 amino acids with a molecular weight of around 22,000 daltons. ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे अबाउट द रेगुलेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मैंने ऑलरेडी आपको बताया है दैट द ग्रोथ हार्मोन इट इज रिलीज्ड बाय द एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी. ठीक है, द एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से ग्रोथ हार्मोन रिलीज कैसे होता है, बिकॉज देयर इज अ रेगुलेशन बाय हाइपोथैलेमस. ये भी बताया है मैंने, हाइपोथैलेमस में वी हैव वेरियस न्यूक्ली. ठीक है, सर्टन न्यूक्ली एंड दीज न्यूक्ली दे हैव नर्व सेल बॉडीज एंड दे हैव लॉन्ग एक्सॉन्स. These nuclei they produce various hormones जिनको हम releasing and inhibiting factors कहते थे. Two important releasing and inhibiting factors. One is the growth hormone releasing hormone. Other is the growth hormone inhibiting hormone. ठीक है, the growth hormone releasing hormone which is it's a peptide hormone and this is also a peptide hormone जैसे मैंने पिछले lectures में आपको बता दिया था. These are released by the nuclei from the hypothalamus and they are released here on the median eminence जो मैंने पिछले लेक्चर में आपको बोला and they go in the hypothalamo hypophyseal portal system. बताया है मैंने hypothalamo hypophyseal portal system से जाके ये जाती है anterior pituitary में and we have certain glandular cells. यहाँ पे हमारी cells हैं which are known as पिछले लेक्चर में मैंने बताया है the chromophils. Chromophils means the सिटेन लविंग सेल्स. और क्रोमोफिल्स में एक एग्जाम्पल थी, एक टाइप था विच वाज नोन एज सोमेटोट्रॉप्स और सोमेटोट्रॉपिक सेल्स. द सोमेटोट्रॉप्स और द सोमेटोट्रॉपिक सेल्स दे सिक्रीट द ग्रोथ हार्मोन. ठीक है, सो व्हेन द ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन और द सोमेटोट्रॉपिन रिलीजिंग हार्मोन इट is secreted by these nuclei, it goes to the somatotrophs, it causes the release of growth hormone. And this growth hormone, inhibiting hormone from the nuclei of hypothalamus, it goes in these axons, goes to median eminence, is released in the hypothalamo hypophyseal portal system, goes to the somatotrophs and causes the inhibition of release of growth hormone. In this way the growth hormone is regulated, its release is regulated. Main aapko ye bata dun that the regulation of growth hormone is controlled by various stimulators and inhibitors. Theek hai, there are various stimulators of growth hormone. Growth hormone jab release hota hai, it can be the growth hormone can be stimulated, the release of growth hormone can be stimulated by sleep. Deep sleep se growth hormone stimulate ho jata hai, exercise se growth hormone stimulate ho jata hai, in fact hypoglycemia fasting se growth hormone stimulate ho jata hai, ye aap yaad rakhenge. And there are certain inhibitors like hyperglycemia, it inhibits the release of growth hormone. Theek hai, increase in the free fatty acids in the blood circulation, it decreases the growth hormone release. ठीक है, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं which increase and decrease the release of growth hormone. So the net balance is between these two, the growth hormone releasing hormone and the growth hormone inhibiting hormone. जिसका amount ज्यादा होगा उसी का effect आ जाएगा. If growth hormone releasing hormone is more तो growth hormone ज्यादा release हो जाएगा. लेकिन आपको एक point याद रखना है, the growth hormone released by the somatotrophs, it is not released continuously in at one level, but it is releases pulsatile. ये आपको याद रखना है. It is released in pulses. Growth hormone is released pulses. मतलब this time the growth hormone level एक होगी, after few hours इसकी level peak हो जाएगी, then it again comes down. और ऐसे देखा गया है during sleep, when you are sleeping, तो आपके growth hormone की जो सिक्रीशन है इसमें एक सर्ज आ जाता है, इट इंक्रीजेस. ठीक है, सो द ग्रोथ हार्मोन इट इज रिलीज्ड इन अ पल्सटाइल मैनर. ये आपको याद रखना है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट द रेगुलेशन ऑफ द रिलीज ऑफ द ग्रोथ हार्मोन. ठीक है, आपको मैं ये बताऊं दैट सिंस द ग्रोथ हार्मोन इज रेगुलेटेड बाय दीज हार्मोन्स, दे एक्ट ऑन the cells. मैंने पहले ही बोला है these hormones, growth hormone, releasing hormone, growth hormone, inhibiting hormone, they are both peptides. ठीक है, इनके जो receptors हैं कहाँ पे होंगे, they will be on the surface of the cell. ठीक है, जो इनकी target cell है that is known as somatotroph, somatotroph. So these receptors will be on the surface of the somatotrophs because growth hormone, releasing hormone, inhibiting hormone, they are all peptides. So peptides के receptors cell membrane पे होते हैं, so they activate these receptors. ठीक है, usually these are the G protein coupled receptors, पहले बता दिया है मैंने. So they stimulate or inhibit the somatotrophs to release the growth hormone. ठीक है,
सो द एंडोक्राइन सेल्स विच सिक्रीट द ग्रोथ हार्मोन और द सोमेटोट्रॉप्स, जिनको हम एसिडोफिल्स भी बोलते हैं, दीज आर द एसिडोफिल्स, सोमेटोट्रॉप्स एंड लैक्टोट्रॉप्स, दे आर द एसिडोफिल्स, ठीक है। और मैं आपको ये बताऊं दैट द सोमेटोट्रॉप्स दे कॉन्स्टिट्यूट अ गुड नंबर ऑफ सेल्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, जो हमारी एसिडोफिल्स हैं पिट्यूटरी ग्लैंड में, उनका मैक्सिमम परसेंटेज दैट इज कॉन्स्टिट्यूट बाई सोमेटोट्रॉप्स। इसीलिए द पिट्यूटरी ग्लैंड ट्यूमर्स यूजुअली दे कॉन्स्टिट्यूट अ गुड नंबर ऑफ सोमेटोट्रॉप सेल्स, ठीक है। इसीलिए हम पिट्यूटरी ट्यूमर्स को एसिडोफिल ट्यूमर्स भी कहते हैं, ठीक है। व्हाई आर दीज ट्यूमर्स एसिडोफिलिक, आपसे कोई पूछेगा पिट्यूटरी ट्यूमर्स एसिडोफिलिक क्यों होते हैं, हम इनको एसिडोफिलिक क्यों कहते हैं, व्हाई आर दे, व्हाई डू दे टेक एसिडिक स्टेन्स, बिकॉज द पिट्यूटरी ट्यूमर्स दे आर यूजुअली कॉन्स्टिट्यूट बाय द सोमेटोट्रॉप्स विच आर एसिडोफिलिक सेल्स, ठीक है। इसके बाद हम ग्रोथ हार्मोन के ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे। व्हेन द सोमेटोट्रॉप्स रिलीज द ग्रोथ हार्मोन दे विल रिलीज इट इनटू द ब्लड, आपको पता है द ग्रोथ हार्मोन गोज टू द ब्लड एंड इट बाइंड्स विद द ग्रोथ हार्मोन बाइंडिंग पेप्टाइड, द ग्रोथ हार्मोन बाइंडिंग पेप्टाइड, ठीक है। और ये ग्रोथ हार्मोन बाइंडिंग पेप्टाइड के साथ जाता है टू इट्स टारगेट सेल्स, ठीक है। यूजुअली द टारगेट सेल्स फॉर द ग्रोथ हार्मोन दे आर प्रेजेंट इन ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी आर द टारगेट सेल्स ऑफ द ग्रोथ हार्मोन, बट द मैक्सिमम नंबर ऑफ टारगेट सेल्स ऑफ द ग्रोथ हार्मोन लाई इन द लिवर, आपको याद रखना है, ये मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। सो द ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्रोथ हार्मोन इज इन द ब्लड एंड इट इज ट्रांसपोर्टेड अलॉन्ग विद द ग्रोथ हार्मोन बाइंडिंग प्रोटीन, जिसको कैरी करता है इन ब्लड एंड इट टेक्स इट टू द टारगेट एस्पेशली टू द लिवर, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे बायोकेमिस्ट्री की ऑफ द ग्रोथ हार्मोन। जो ग्रोथ हार्मोन है इट गोज थ्रू द ब्लड एंड इज स्टी हाफ, बायोलॉजिकल हाफ लाइफ इज ओनली 20 मिनट्स, ये आप याद रखेंगे, बट इट्स इफेक्ट्स आर लॉन्ग लास्टिंग, व्हाई वो मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। आपसे कोई पूछे ग्रोथ हार्मोन का बायोलॉजिकल टी हाफ कितना है, इट इज ओनली 20 मिनट्स, बहुत ही कम है, लेकिन इसके इफेक्ट्स बहुत देर तक रहते हैं, ठीक है। जो ये ग्रोथ का इसका इफेक्ट है फॉर द ग्रोथ एंड सेल डिवीजन, ठीक है, बिकॉज ग्रोथ हार्मोन इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ माइटोजन, इट डज इट इंक्रीज द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस इन सर्टेन टाइप्स ऑफ सेल्स, सो इसका इफेक्ट बहुत देर तक रहते हैं, नॉट जस्ट फॉर 20 मिनट्स, वो क्यों होता है वो हम आगे बताएंगे, ठीक है। So this is about the biochemistry of the growth hormone. Its biological half is 20 minutes only. उसके बाद हम बात करेंगे about the receptors of the growth hormone. ग्रोथ हार्मोन के receptors हैं, आप बताएंगे, आई होप आपको पता होगा द रिसेप्टर्स ऑफ ग्रोथ हार्मोन, बिकॉज ग्रोथ हार्मोन इज अ पॉलीपेप्टाइड, जब ये पॉलीपेप्टाइड होगा तो इसका रिसेप्टर क्या होगा, इट विल बी प्रेजेंट ऑन द सेल मेम्ब्रेन, ये आपको पता होगा। द रिसेप्टर्स फॉर द ग्रोथ हार्मोन आर द ट्रांस मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन के रिसेप्टर जो है दे आर ऑन द सेल मेम्ब्रेन एंड दे आर द ट्रांस मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स एंड दे आर नोन एज ग्रोथ हार्मोन सिक्रीटागोग रिसेप्टर्स, ग्रोथ हार्मोन सिक्रीटागोग रिसेप्टर्स, ये आप याद रखेंगे। और जो ग्रोथ हार्मोन सिक्रीटागोग रिसेप्टर्स हैं वो यूजुअली प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी में, कहां पे, लिवर पे, ये आप याद रखेंगे, मैं आगे बताऊंगा क्यों होते हैं और वहां इनका काम क्या है, ठीक है। अब हम बात करेंगे अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन काम कैसे करता है, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन दैट इज रिलीज बाय द सोमेटोट्रॉपिक सेल्स ऑफ the pituitary gland that goes into the blood and then it goes to the target cells, it binds to the receptors and how does it do its work then, theek hai, ye growth hormone hai, it binds to the surface receptor, theek hai, it binds to the surface receptor, aur jo usual iska kaam hai growth hormone ka jo ek visible effect hai that is increase of the height, theek hai, it increases the height when you are अ चाइल्ड, ठीक है, जब बच्चे होते हैं आपकी हाइट इंक्रीज हो जाती है टू द एडल्टहुड और उसके बाद वो कॉन्स्टेंट रह जाती है, दिस इज द यूजुअल इफेक्ट ऑफ द ग्रोथ हार्मोन। तो ये ग्रोथ हार्मोन ऐसे काम कैसे करता है, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन हैज टू मैकेनिज्म्स ऑफ एक्शन, ये आपको याद रखने हैं। नंबर वन, इट बाइंड्स विद इट्स रिसेप्टर एंड इट फॉलोज वन पाथवे, ज्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, इट इज सफिशियंट फॉर नीट एंड 11th, ठीक है, इट इज वेरी मच सफिशियंट। So growth hormone it follows two pathways. In certain cells, the growth hormone follows the MAPK pathway. ठीक है? Mitogen activated protein kinase pathway, आप याद रखेंगे, Mitogen
माइटोजन एक्टिवेटेड प्रोटीन काइनेज पाथवे एंड इन सर्टन केसेस द ग्रोथ हार्मोन इट फॉलोज दैट इज नोन एज जैक स्टैट पाथवे. जैक स्टैट मीन्स जैनस काइनेज सिग्नल ट्रांसड्यूसर एंड एक्टिवेटर ऑफ ट्रांसक्रिप्शन प्रोटीन. ठीक है, सो ग्रोथ हार्मोन हैज टू मैकेनिज्म्स ऑफ एक्शन. इट एक्ट्स थ्रू टू पाथवेज. समटाइम्स इट एक्ट्स थ्रू दिस पाथवे एंड समटाइम्स इट एक्ट्स थ्रू दिस पाथवे. ठीक है, मैं समझाऊंगा आपको. थ्रू एमएपीके पाथवे दैट इज नोन एज माइटोजन एक्टिवेटेड प्रोटीन काइनेज पाथवे. ये क्या करता है, ये न्यूक्लियस में ट्रांसक्रिप्शन कराता है. ट्रांसक्रिप्शन के बाद क्या होगा, द सेल स्टार्ट टू डिवाइड और मल्टीप्लाई. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारी बॉडी में कॉन्ड्रोसाइट्स है. कॉन्ड्रोसाइट्स when they divide, when they multiply, तो क्या हो जाएगा, bones की growth हो जाएगी. So this is one mechanism of growth hormone. Growth hormone does the bone growth. कैसे, it causes the direct division and multiplication of chondrocytes. Growth hormone goes to the cell membrane receptor of chondrocytes. It goes through MAPK pathway, माइट्रोजन एक्टिवेटेड प्रोटीन काइनेज पाथवे एंड इट causes the multiplication of the chondrocytes and directly it causes the growth. ठीक है, but the most important mechanism of growth hormone is through JAK-STAT pathway. ठीक है, growth hormone क्या करता है, it follows JAK-STAT pathway, for example in liver cells and in many other cells. That is Janus kinase and signal transducer and activator of transcription protein. सिर्फ आप नाम याद रखेंगे इस लेवल पे. It also causes transcription, but it causes the production of certain molecules which are known as, ये आप याद रखेंगे, insulin like growth factors, जिनको हम पहले somatomedins भी कहते थे. IGF-1 is one of the excellent examples. So through JAK-STAT pathway the growth hormone leads to transcription and finally the formation of certain peptides. These are polypeptides, these are peptide molecules which are known as insulin like growth factors or IGF-1. It is a good example of insulin like growth factors, khas taur pe liver cells pe. So growth hormone ka effect kya hai liver cells pe, growth hormone goes to the cells of liver, wahan pe receptor ke sath meet ho jata hai and it follows the JAK-STAT pathway and it leads to the production of the insulin like growth factors and these insulin like growth factors they cause growth. Aap puchhenge sir kaise, these insulin like growth factors they act as hormones. ठीक है, they act as hormones means ये liver cell से निकल जाते हैं, different tissues पे जाते हैं. जब ये different tissues पे जाते हैं they cause the growth of these tissues. So these hormones, these insulin like growth factors, they act as hormones, they act as peptide hormones, they go to the tissues and they cause the growth. ठीक है, means growth hormone directly growth नहीं कराता. Growth hormone causes the multiplication and division of cells only through MAPK pathway, but through JAK-STAT pathway it leads to the formation of insulin-like growth factor and they cause growth in various tissues. Itna hi nahi, when IGFs go to a tissue they cause growth, they can also stimulate the cells to produce IGFs. Theek hai, so IGF stimulates the cell to produce the IGFs. Aur yahan pe ek to ye endocrine role tha iska, IGF was produced by liver cell and goes to different tissues and causes growth. Dusra, this IGF it can go to the cell back and cause growth in this cell, or it can go to the adjacent cell and cause the growth in that cell. In these cases the IGFs have a autocrine and paracrine role, maine padhaya hai. So growth hormone ka directly sirf endocrine role hai, jo iske insulin like growth factors hai they can have an endocrine role when they are released by liver and cause growth in different tissues, and they can have an autocrine or paracrine role as well when they go from the same cell and activate the same cell for growth, or when they grow from a cell to a
neighbor cell and activate that cell for growth. So this is the mechanism of action of growth hormone and it is very important. ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे अबाउट द फंक्शंस ऑफ ग्रोथ हार्मोन. अबाउट द फंक्शन ऑफ द ग्रोथ हार्मोन, आप ये एक चीज याद रखें दैट द ग्रोथ हार्मोन इन जनरल इट इज एनाबॉलिक. इट्स एन एनाबॉलिक हार्मोन, ये आप इन जनरल याद रखेंगे. मैंने आपको पहले ही बताया दैट द ग्रोथ हार्मोन इसकी फंक्शन क्या है, इट कॉज द ग्रोथ, इट कॉज द डिविजन, इट कॉज द डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेल्स, इवन इट कॉज द रीजनरेशन, because also it is a mitogen and it can induce mitosis. ठीक है, अब याद रखेंगे द ग्रोथ हार्मोन इट इज एन एनाबॉलिक हार्मोन. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. मैं आपको एक ही सेंटेंस में बताऊंगा कि ग्रोथ हार्मोन के फंक्शन क्या है, ये आप याद रखेंगे. द ग्रोथ हार्मोन ये आप याद रखेंगे, इट लीड्स टू द, ये आप याद रखेंगे, इट लीड्स टू द कंजर्वेशन of carbohydrates mobilization of fats and synthesis of proteins. इतना ही आप याद रखेंगे. This is very important. एक सेंटेंस में ग्रोथ हार्मोन की फंक्शंस आप याद रखेंगे. ठीक है, आई विल टेल यू द मैकेनिज्म बट फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड. मैं बता क्या रहा हूं आपको. सो ग्रोथ हार्मोन इट हैज एन एनाबॉलिक इफेक्ट. क्या है, इट लीड्स टू द कंजर्वेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट्स को ये कंजर्व कराता है. इट लीड्स टू मोबिलाइजेशन ऑफ फैट, फैट्स को मोबिलाइज करता है. एंड इट लीड्स टू द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स. ये आप याद रखेंगे कैसे. लेट्स टेक प्रोटीन्स. How does the growth hormone cause the synthesis of proteins? So proteins पे growth hormone का effect क्या है? पहला effect यह है कि growth hormone it increases the cell membrane transport of the amino acids. ठीक है, ये लीजिए cell. So पहला effect growth hormone का यह है, it increases the transport of amino acids through the cell membrane into the cell. ठीक है, अमीनो एसिड आ गए सेल में. तो दूसरा काम ये करता है, इट इंक्रीजेस द डीएनए कन्वर्जन टू आरएनए, दैट इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन. सो ग्रोथ हार्मोन इंक्रीज द ट्रांसक्रिप्शन इन द सेल्स. इट आल्सो इंक्रीजेस आरएनए टू प्रोटीन सिंथेसिस, दैट इज नोन एज ट्रांसलेशन. सो ग्रोथ हार्मोन इट इंक्रीज द परमेबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन टू प्रोटीन, प्रोटीन आर ट्रांसपोर्टेड इन टू द सेल. उसके बाद इट does the transcription DNA into RNA, it causes the translation of RNA into proteins. Itna hi nahi, theek hai, it also causes the anabolism of proteins indirectly. Kaise? Growth hormone causes the release of insulin. Jab ye insulin ka release karata hai, insulin itself has an anabolic effect on proteins. So in short, the growth hormone has an effect on the protein synthesis. It increases the synthesis of proteins. The synthesis of proteins, kaise? It increases the transport of amino acids into the cell. It increases the transcription. It increases the translation. It decreases the catabolism of proteins. And it increases the anabolism of proteins through the इनडायरेक्टली थ्रू द इंसुलिन, क्योंकि इंसुलिन को प्रोड्यूस कराता है और इंसुलिन एनाबॉलिज्म कराता है. ठीक है, ये था इफेक्ट ऑन प्रोटीन्स. अब हम बात करेंगे ऑन फैट्स. देखिए, व्हाट डज इट डू, इट टेक्स द फैट्स अवे फ्रॉम द एडिपोज टिश्यू. एडिपोज टिश्यू से फैट्स को निकालता है, कहां ले जाता है, इन ब्लड सर्कुलेशन में. जब ब्लड सर्कुलेशन में फैट्स आ गए तो क्या होता है, फैट्स आर मोबिलाइज फ्रॉम एडिपोज टिश्यू इन टू द ब्लड एंड दे आर यूटिलाइज फॉर एनर्जी. फैट्स दे आर यूटिलाइज, दे आर ब्रोकन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी. इससे क्या हो जाता है, इससे जब फैट टूट जाता है, वॉट इज द प्रोडक्ट, इट इज द फैटी एसिड. सो फैटी एसिड कंसेंट्रेशन इन ब्लड इंक्रीजेस, ये आपको याद रखना है. ठीक है, दूसरा इसका इफेक्ट यह है दैट द प्रोटीन्स आर स्पेयर्ड, प्रोटीन्स बच जाते हैं, प्रोटीन्स आर नॉट मोबिलाइज, प्रोटीन्स आर नॉट मेटाबोलाइज. ठीक है, इनफैक्ट कार्बोहाइड्रेट, इवन कार्बोहाइड्रेट इज
spared somehow. So effect on fats is that the fats are mobilized from the adipose tissue. They go into the circulation where they are broken down and they release the fatty acids and the proteins are spared. Okay? Uske baad, the important function of growth hormone is the on the metabolism of carbohydrates. Carbohydrates, what is the effect of growth hormone? It is very important. देखिए कार्बोहाइड्रेट्स पे इफेक्ट क्या है. पहला इफेक्ट ये है ऑन कार्बोहाइड्रेट्स दैट द ग्रोथ हार्मोन इट डिक्रीजेस द पेरिफेरल यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज. डिक्रीज द पेरिफेरल यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज मींस इट प्रिवेंट्स द यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम द ब्लड. ठीक है, ग्लूकोज ब्लड में है लेकिन इट इज नॉट यूटिलाइज्ड. व्हाई एंड हाउ, इट्स एन इंपॉर्टेंट पॉइंट. कैसे? बिकॉज मैंने पहले ही बोला इट does the mobilization of fat from the adipose tissue. Fat aa gaya blood mein, it helps in the utilization of fat for the production of energy. To kaun bach gaya? Glucose bach gaya. Theek hai. Aur dusra point ye hai, when fats are used they produce fatty acids and they also produce acetyl coenzyme A. aapne suna hoga. And this acetyl coenzyme A is an inhibitor of, you know that it is an inhibitor of glycolytic pathway. When fats are utilized for the production of energy, acetyl coenzyme A is formed, so it inhibits the glycolytic utilization of glucose, so glucose bach jata hai in our circulation. So iska effect kya hoga? Glucose concentration in circulation increases. When glucose concentration of circulation increases, it goes into the cells and it helps in the formation of glycogen. Theek hai? So growth hormone has an effect of increasing in the formation of glycogen. Yahan to theek hai. उसके बाद व्हेन द ग्लाइकोजन लेवल्स आर इंक्रीज, जब ग्लाइकोजन बन गया, बहुत बन गया, तो क्या होगा? एक्सेस ग्लूकोज कहां जाएगा? एक्सेस ग्लूकोज गोज इनटू द सर्कुलेशन. सो एक्सेस ग्लूकोज गोज इनटू द सर्कुलेशन. जब एक्सेस ग्लूकोज सर्कुलेशन में आ गया तो क्या हो जाएगा? ये तो सर्कुलेशन में आ गया, बट द एसिटाइल कोएंजाइम ए फॉर्म्ड फ्रॉम द फैटी एसिड्स फैट्स it is not allowing the glucose to be utilized. Jab glucose utilize nahi hoga to kya ho jayega? Glucose levels will increase in the blood. That condition is known as hyperglycemia. Ye aap yaad rakhenge. So the effect of growth hormone is hyperglycemia. Ye aap yaad rakhenge. And this has a negative feedback on the release of growth hormone. Hum baad mein ek baat karenge uski. So growth hormone is hyperglycemic hormone. It increases the level of glucose in the blood. Ye aap yaad rakhenge. और इससे क्या हो सकता है? बिकॉज ऑफ हाई लेवल्स ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड क्या हो सकता है? द ग्रोथ हार्मोन विल हैव अ डायबिटोजेनिक इफेक्ट. ये आप याद रखेंगे, द ग्रोथ हार्मोन हैज अ डायबिटोजेनिक इफेक्ट. कैसे? व्हेन ग्लूकोज लेवल्स इंक्रीज इन द ब्लड दे स्टिमुलेट द बीटा सेल्स ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस. बीटा सेल्स ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस इन पैनक्रियाज दे सिक्रीट, हां जी, दे सिक्रीट इंसुलिन. So the increased levels of glucose in the blood, they stimulate, they continuously stimulate the beta cells of islets of Langerhans. ठीक है, ठीक है. एक हो गया ये. When the cells are excessively stimulated, when the cells are excessively stimulated to release insulin, और यहाँ पे hyperglycemia control नहीं हो पाता, these cells are destroyed and there is a deficiency of insulin which leads to diabetes. So continuous or constant hyperglycemia that at some point of time that leads to the destruction of beta cells of islets of Langerhans of pancreas, and that leads to the deficiency of insulin, and that too has a diabetogenic effect. So growth hormone has a diabetogenic effect. Do tarah se diabetogenic effect hai. Ek, it prevents the peripheral utilization of glucose. The glucose levels always इंक्रीज इन द ब्लड, इनका लेवल हाई हो जाता है. अगर ग्रोथ हार्मोन का एक्सेस हो गया तो ग्लूकोज लेवल्स इंक्रीज इन द ब्लड, सो दैट इज अ डायबिटोजेनिक इफेक्ट. और दूसरा यह है कि इंक्रीज लेवल्स कैन डिस्ट्रॉय द सेल्स ऑफ पैनक्रियाज एंड विच इनडायरेक्टली लीड्स टू द डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन, एंड दैट टू हैज अ डायबिटोजेनिक इफेक्ट विच अल्टीमेटली लीड्स टू डायबिटीज. ठीक है, इसीलिए आप देखेंगे जिन लोगों में ग्रोथ हार्मोन का एक्सेस हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल the gigantism and acromegaly, they have a secondary condition of diabetes. Yaap yaad rakhenge. Theek hai? So this was the effect of growth hormone on the metabolism of proteins, carbohydrates and fats. I hope aapko is samajh aaya hoga. Aur uske baad hum padhenge the effect of growth hormone on growth of bones. Ye important hai.
ऑन आवर बोन्स ग्रोथ हार्मोन का रोल क्या है, आप ये याद रखेंगे। मैंने पहले भी बताया था इफेक्ट ऑफ ग्रोथ हार्मोन थ्रू टू मैकेनिज्म एक्शन, वहां पे मैंने एक मैकेनिज्म आपको बताया दैट थ्रू MAPK पाथवे द ग्रोथ हार्मोन डायरेक्टली कॉजेज द डिविजन एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉन्ड्रोसाइट्स, ठीक है, विच अल्टीमेटली हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ बोन्स। जब हम एम्ब्रियोनिक लाइफ में देखेंगे ग्रोथ हार्मोन इट हेल्प्स इन द मल्टीप्लीकेशन, इट हेल्प्स इन द माइटोसिस ऑफ द बोन फॉर्मिंग सेल्स, ठीक है, इन एन एम्ब्रियो। बट लेटर इन लाइफ द ग्रोथ हार्मोन इट हेल्प्स इन द स्केलेटल ग्रोथ, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन ग्रोथ कैसे कराता है? ग्रोथ हार्मोन इट हेल्प्स इन द, मैंने पहले ही बोला, इट हेल्प्स इन द डिविजन ऑफ द कॉन्ड्रोसाइट्स, ठीक है, एंड इट इंक्रीजेस द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स बाय दीज कॉन्ड्रोसाइट्स एंड सम ऑस्टियोजेनिक सेल्स। सो इट इंक्रीज द प्रोटीन फॉर्मेशन बाय कॉन्ड्रोसाइट्स एंड सर्टन ऑस्टियोजेनिक सेल्स। इट ऑल्सो हेल्प्स इन द कन्वर्जन ऑफ कॉन्ड्रोसाइट्स इनटू द ऑस्टियोजेनिक साइट्स एंड दीज ऑस्टियोजेनिक साइट्स लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ एंड एलोंगेशन ऑफ बोन्स, ठीक है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन दिस प्रोसेस एंड इट ऑल्सो हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द levels of calcium that is utilized for the mineralization of bones. So the overall effect of growth hormone is the formation of bones and the increase in the length of bones. और मैं आपको ये बताऊं that the bone length वो तब तक increase हो जाती है जब तक epiphysis shaft के साथ fuse हो जाते हैं, ठीक है। When there is the fusion between the shaft and epiphysis, when the fusion is complete, उसके बाद bone length नहीं increase हो जाती। Bone length does not increase when the epiphysis meets the shaft, it fuses with the shaft. लेकिन आपको मैं ये बताऊं that the thickness of the bones continues to increase. So the bone growth includes the increase in the thickness as well as increase in the length. The length of the bones it will limit at the time when there is a epiphyseal fusion, but the thickness of the bones continues to increase. For example, in case of our skull bones, in case the of the other membranous bones, for example skull and our mandible, so kya ho jata hai, the growth hormone it leads to the increase in the thickness of the bones, to unki thickness increase hoti rehti hai, theek hai. So these are all the effects of the growth hormone, the functions of the growth hormone. I hope aapko ye samajh aaya hoga, ठीक है। सो आई टोल्ड यू अबाउट द 10 थिंग्स अबाउट द ग्रोथ हार्मोन। तो मेरा लास्ट में एक सवाल है, माय क्वेश्चन टू ऑल द एस्पिरेंट्स ऑफ नीट एंड 11th क्लास स्टूडेंट्स, गिव मी द नेम ऑफ द ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन व्हिच हैज बीन फॉर्मड बाय द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। टेल मी द जेनेरिक नेम ऑफ द रिकॉम्बिनेंट ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। ये मेरी क्वेरी है, इट्स माय क्वेश्चन टू यू। सो if you have any query regarding this lecture, kindly mail me on sajadwani657@gmail.com. you can message me on Instagram, theek hai, that will all be given in the link. Thank you so much for watching this lecture. Stay home, stay safe, and have a nice